पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पावर शो। 120 फुट चौड़ा स्टेज सजा दिया गया, ग्राउंड में 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी तरानों के लिए साउंड सिस्टम नस्ब। जलसागाह में पार्टी परचमों और बैनर्स की भरमार। जलसागाह के तरफ में पार्किंग का भी तमाम। पुलिस के 4,000 एहकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। बीस दिन से वजीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। चार दिन के गवर्नर भी आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर बनने के लिए आइन को तोड़ा। हलफ को ताखिर का शिकार करना आइन शिकनी है। परवेज इलाही चाहते हैं कि वो वजीर आला ना बने तो कोई दूसरा भी ना बने। लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 1 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 186.92 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 189 रुपए में ट्रेड। डॉलर की कदर बढ़ने पर महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। माह सयाम में भी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 9 घंटे की लोड शेडिंग से बुरा हाल। कई कई घंटे बत्ती बंद होने से कारोबार करना मुहाल हो गया। लेस्को को 750 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। 4,400 मेगावाट की तलब के मुकाबले में 3,650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाने की ख्वाहिशमंद। पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आप लोगों ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार के वकील पर सख्त इजहार बरहमी। सूट का कपड़ा कम देने का मामला। अदालत ने बुटीक मालिकन के खिलाफ 26,150 रुपए की डिग्री जारी कर दी। अदालत ने शहरी आयशा सिकंदर की दरख्वास्त पर समाअत की। असातिज़ा के सर्विस रूल्स में तब्दीली का मामला खटाई में पड़ गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर्विस रूल्स 2014 में तब्दीली का ऐलान किया था। कमेटी ने सर्विस रूल्स में तब्दीली का बोझ आने वाली हुकूमत पर डाल दिया। कमेटी के आइंदा इजलास के हवाले से भी कोई नई तारीख नहीं दी गई। सर्कुलर रोड पर नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। वासा ने पुराना सीवरेज सिस्टम उखाड़ दिया। नया नकासी आपका सिस्टम बिछाया ना जा सका। सेल्स टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले रेस्टोरेंट्स के गिर्द घेरा तंग। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गोशवारे जमा ना करवाने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने आयद कर दिए। 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को 50 लाख से ज्यादा जुर्माने के नोटिस जारी। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। महकमे सेहत के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मौजूद। लाहौर में हेपेटाइटिस सी के 9 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। ईद उल फितर की आमद आमद, दर्जियों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। नए कपड़े सिलवाने के लिए दुकानों पर रश। अक्सर दर्जियों ने काम बढ़ जाने की वजह से ईद के लिए बुकिंग बंद कर दी। शहर में हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज शाम को बूंदाबांदी की भी पेशगोई कर दी। रमजानुल मुबारक में भी ट्रेन शेड्यूल बादस्तूर मुतासिर।
कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दी ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना।